टर्टोइज कछुआ, ये टर्टोइज का जो काम होता है वो होता है, टर्टोइज इज बेसिकली इज ए पेशेंट, इज ए पेशेंस, स्लो एंड स्टडी विन दी रेस। धीरे धीरे कछुआ अपनी चाल चलेगा और जीत की मंजिल की तरफ लेके जाएगा। इट्स ए पीस, इट्स ए पेशेंट, इज ए सक्सेस गिवर। आल्सो कछुए को एक और चीज से डिनोट किया था, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है माना जाता है। कहते हैं 150-150 साल जीता है, तो इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ठीक है, कछुआ लॉन्जिविटी के लिए भी अंडरस्टैंड किया जाता है, कछुआ एक पेशेंस के लिए भी कनेक्ट किया जाता है। कछुए को घर के सेंटर में लगाया जा सकता है, कछुए को घर के वेस्ट में लगाया जा सकता है। ठीक है, वेस्ट में जब लगाए तो E W 4 पे लगाए, सेंटर में लगाए, और कछुआ अपनी अपनी पीठ के ऊपर वजन ले लेता है। ऐसा ही माना जाता है, कछुआ अपनी पीठ, उसकी पीठ जो है बड़ी स्ट्रांग होती है, शेल कवच होता है, और वो उसके ऊपर वजन ले लेता है, और जब कोई आक्रमण करता है तो उस कवच के अंदर छुप जाता है पूरा। दिस इज व्हाट कछुए की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया गया। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसको एक्चुअली सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्ट की जाती है, उस जानवर की या उस चीजों की। और रेमेडियल पार्ट में आप कुछ भी चीज अपने आप से भी एड ऑन कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को कनेक्ट करके। हम कछुए की बात कर रहे थे, तो कछुआ जो है क्योंकि उसके अंदर वजन लेने की क्षमता है, सीढ़ी के नीचे लगा के सीढ़ी को शिफ्ट उसकी ऊपर टिका दिया जाता है, उससे जो इम्पैक्ट सीढ़ी का जो भार वहां पे आ रहा है वो भार हल्का हो जाता है, और भार जो है कछुआ अपने पे लेता है, और उसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर दी जाती है, ताकि वो नॉर्थ, ऐसा माना गया जाएगा कि कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल चल के वो वहां से भार को शिफ्ट करके भार ले जाएगा। या इसी प्रकार से कोई भी वॉल, अब वॉल के नीचे तो घुसा पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वॉल के बाजू में रख के उसकी डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर दे, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में की तरफ कर दे उसकी डायरेक्शन को, ताकि उसकी जो वॉल की जो जो वजन है वो धीरे धीरे वहां से शिफ्ट हो जाए। अभी कछुआ कौन सा, कछुए ना बहुत तरह के आते हैं, कछुआ मेटल का आएगा, कछुआ इसका क्या बोलते हैं ग्लास का आएगा, क्रिस्टल्स का आएगा, कछुआ कछुआ और बहुत सारे के, कछुआ सेरेमिक का भी आता है। कछुए बहुत तरह के होते हैं, किसी को कोई बोलेगा पानी में रखो, कोई बोलेगा कहीं रखो, इस टंटे में नहीं पड़ना, इस टंटे में पड़ना ही नहीं है। सबसे बेस्ट कछुआ होता है अष्ट धातु का, द बेस्ट कछुआ इस अष्ट धातु का, अष्ट धातु का जो कछुआ होता है इट्स ए बेस्ट कछुआ। किसी भी डायरेक्शन में रखो, कहीं पे भी रखो, कोई इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा कहीं पे भी। अष्ट धातु, अष्ट धातु एक ऐसा धातु है, अगर कुछ भी समझ में कभी ना आए ना आपको कि मैं क्या करूं, कहां पे किसी को कैसे एनर्जाइज करूं, अष्ट धातु का अगर आपको बाजार से सामान मिल जाए, या मतलब सुनार के पास चीजें अष्ट धातु मिल जाए, तो उसका एक कुछ लाके वजन लाके उसको उस जोन में रख दो। आपको नजर आ रहा है कि मेरे इस जोन में ना प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा कभी भी क्या करूं, कुछ भी चीज को ऐसा कभी नजर आ जाए, तो अष्ट धातु की चीजों को उस जोन में रखने से चीजें बैलेंस होने शुरू हो जाती हैं। अष्ट धातु एक अपने आप में रेमेडी है। ठीक, तो कछुए को भी आप इसी तरह यूज कर सकते हैं। कछुए को फ्लोर पे रखा जाता है हमेशा, ये ध्यान रखें कभी भी टांगा नहीं आता ऊपर, हमेशा कछुआ फ्लोर पे ही रखा जाएगा। ठीक है, इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है इसका। जब कछुआ लगाए तो उस केस में हम नॉर्थ ईस्ट को भी थोड़ा एनर्जाइज करें, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट पे पिरामिड के माध्यम से एनर्जाइज कर सकते हैं, या सर कैंपर ये के। बेसिकली उस वॉल और सीढ़ी के लिए जो अनवांटेड है, मतलब उस जगह पे नहीं होनी चाहिए, तब हम कर सकते सेंटर हैं। में अगर आ जाती हैं तो, ओके, ओनली अदरवाइज ऑन सेंटर। जी अदरवाइज भी सर, सेंटर के अंदर लगा सकते हैं इसको, बिल्डिंग में। देखो कोई भी रेमेडी जब भी की जाए ना, जब उसकी जरूरत हो वहां पे, जबरदस्ती थोड़ी जी कछुए को सर, लगाना है। जी सर, कछुआ एनर्जाइज नहीं करता सेंटर, ये भी गलत फहमी है। बहुत लोग सोचते हैं कि कछुए को सेंटर में रख दो तो सेंटर एनर्जाइज होगा। कछुआ इज नॉट मेंट टू एनर्जाइज द सेंटर, कछुआ इज मेंट टू प्रिजर्व द सेंटर, और द लॉन्जिविटी ऑफ द सेंटर टू ग्रेट, उसके पेशेंस है उसके अंदर, उसमें क्षमता है वाली, उसके लिए है। लेकिन यहाँ पे हम अपलिफ्ट करना चाहे एनर्जी को, वो अपलिफ्ट नहीं कर रहा उसको, वो उसको संभालेगा, ओके जितनी भी उसको संभाल के रखेगा बस। सर, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेगा कछुआ। अनदर थिंग इज कछुआ प्रोटेक्टर भी है, क्योंकि अपने शेल में घुस जाता है ना अंदर में वो। यस सर, ठीक है, तो कछुआ ऐसा है, कछुआ जो है हमारे को पेशेंस क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। अगर पेशेंस नॉर्थ ईस्ट को मैंने बोला उसको एनर्जाइज कर लेते हैं साथ में, नॉर्थ ईस्ट में कैंपर लगा लें, या नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज पिरामिड के माध्यम से करें, और उसके साथ ये कछुआ को यूज करते हैं, तो उससे हमारे अंदर पेशेंस और क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ती है।